तो वे पहला रेस्ट एरिया है और यहाँ पे FW और KPK की तरह से ये बोर्ड लगाए गए हैं। यहाँ पे जो भी जगह है वहाँ पे सवाल में सारे कदीम आगे ये उनका है। आगे ये चित्राल वाली साइड पे जो जाते हुए राइट साइड पे आ चकदरा से थोड़ा सा वो पटखेला से थोड़ा सा आगे जाके ये तीर का जो रास्ता है ये आगे से चेंज होके चला जाता है तो राइट साइड पे हो जाते हैं यहाँ। ये सवात का है, ये सवात से आप होते हुए कलाम जाते हैं, कलाम से आगे ये चतराल का पूरा रास्ता उन्होंने बनाया और दूसरी साइड पे लेफ्ट साइड पे अगर आप जाते हैं तो कमराट वैली आ जाती है। जगह जहाँ से आप यानी कि ये तीर ये पूरा एरिया यानी कि शो कर रहा है ऊपर दोवारी टनल भी आपके लेफ्ट साइड पे आएगी और इसी मोटरवे पे ये जो सवात मोटरवे है यहाँ से ही आएगी। इसको भी रास्ता निकल रहा है तीर के कुछ स्पॉट्स हैं, सम्राट वैली नीचे और ये जो अदर टूरिज्म पॉइंट्स हैं स्पॉट्स। तो पीछे वाले आप कंस्ट्रक्शन का काम देख रहे होंगे, पहले जब मैं आया सवाल तो बड़ा खूबसूरत ये जगह थी, अभी मेरे ख्याल में कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम हो रहा है और इसको मजीद बेहतर कर रहे हैं, वॉशरूम्स वगैरह ये हो जो भी होता है मोस्टली रेस्ट एरिया में के जो भी टूरिस्ट आते हैं उनकी सहूलियात के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं तो वो करते हैं। अब यहाँ से आगे हमें तकरीबन 2-2.5 घंटे लगेंगे मैंगोरा सिटी तक और फिर वहाँ से आगे अगर जिधर भी कलाम मदैन मालम जब्बा या जिस साइड पे भी जाना है उसका यानी कि मैंगोरा से मालम जब्बा लग जाते हैं 2-2.5 घंटे। मदैन वाली साइड पे भी इतना ही है और थोड़ा कलाम जो है वो थोड़ा दूर है